देखिए गहलोत जी को पहले बात तो उसको जादूगर कहते हैं कि काम किसका पैसा किसका और श्रेय कौन ले जाए। और इसीलिए मुझे केंद्रीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि सिर्फ उनका काम है। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी की योजना थी। प्रधानमंत्री जी हिंडौन आए थे, वहाँ उन्होंने घोषणा की थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि जल प्रत्येक घर को पहुँचाना, माताओं बहनों को प्रत्येक घर में नल से जल पहुँचाने का काम मेरा श्रेय है। और उन्होंने मंत्रालय का गठन किया और ये पैसा दिया। ये जरूर है कि जल जीवन मिशन के जो कार्यकारी एजेंसी होती है, कार्य जो होता है, वो पैसा भारत सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार को दिया जाता है। राजस्थान सरकार की निगरानी में राजस्थान सरकार की जो लोकल विभाग होते हैं, PhD विभाग जो होता है, वो इसकी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग करता है। लेकिन पैसा भारत सरकार ने दिया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि धौलपुर कालीतीर योजना के लिए 842 करोड़ रुपए। अभी इसी 28 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री आए, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने 842 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को जारी किए हैं। इसी प्रकार से करौली जिले के लिए चंबल करौली सवाई मधुपुर परियोजना के लिए 4623 करोड़ रुपये उन्होंने जारी किए हैं। पूरे राजस्थान में कुल 5 परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 23,000 करोड़ की दी गई राजस्थान को 28 तारीख को। उस 5 में से 2 परियोजनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर को दी गई है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को मेरे प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने आज 5 में से 2 परियोजनाएं हमारे लोगों को दी, ताकि उनको स्वच्छ पेयजल मिल सके। गहलोत जी के जो ये चीज़ें हैं, हम आग्रह करेंगे, माननीय गहलोत जी आपने जल जीवन मिशन का काम अब तक भी रोक के रखा। माननीय गहलोत जी आपने जल जीवन मिशन में आपके और आपके जो अधिकारी और आपके जनप्रतिनिधियों ने जिस तरीके से इसका श्रेय और धन लूटने की कोशिश की है, मेहरबानी करके वो रोकें और इस योजना में कोई भ्रष्टाचार न होने दें। ईमानदारी से इस योजना को जन जन तक लाभ पहुंचने दें और तीव्र गति से इसका काम कराएं। आप सबको ये बताना जरूरी है कि धौलपुर में कालीतीर योजना है दो। एक कालीतीर योजना वो है जहाँ से हम चंबल में से पानी उठाएंगे और डैम में डालेंगे, डैम में डालने के बाद उसको ओवरफ्लो करके राजाखेड़ा तक लेके जाएंगे, जिससे कि राजाखेड़ा और धौलपुर का वाटर टेबल बढ़ेगा। दूसरी कालीतीर योजना JJM के अंतर्गत आ रही है, जनता जल योजना के अंदर आ रही है, जिससे कि बाड़ी और बसेड़ी के 100 गांव और बाड़ी शहर को पानी मिलेगा। उस कालीतीर योजना JJM में आ रही है, जिसमें 50% केंद्र सरकार देगी, 50% राज्य सरकार देगी। जो हमारे MP साहब बात कर रहे हैं, वो JJM के अंदर जो 855 करोड़ की योजना है उसकी बात कर रहे हैं। ये जो इरिगेशन वाली योजना है जो राजाखेड़ा और धौलपुर के लिए बन रही है, उसमें केंद्र सरकार का कोई पैसा नहीं लगा है, पूरा 642 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार का लगा है। और ये इसका JJM से कोई मतलब नहीं है। ये कालीतीर योजना के टेंडर हो चुके, वर्क ऑर्डर जा चुका, इसका सब चीज़ें हो चुकी, CM साहब इसको अनाउंस कर चुके हैं, हमारी पब्लिक मीटिंग में जो 7 मई को हुई थी उस पब्लिक मीटिंग में अनाउंस कर चुके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग बात भ्रम में नहीं आए, इसका कोई पैसा केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। वो JJM की स्कीम है जो बाड़ी और बसेड़ी की है, उसमें केंद्र सरकार का आधा पैसा है और राज्य सरकार का।